नमस्कार, मैं अनुभव, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज इन खबर पर। इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पे। आप देख सकते हैं पूरा अयोध्या कैसे राममय हो चुका है। दूर दूर से श्रद्धालु राम भक्त यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कहाँ से आए हुए हैं और क्या एक कैसा लग रहा है इस बार अयोध्या आपको। देखो जी, हाँ, फरीदाबाद से आए, हरियाणा से आए, और जो है तो पिछली बार हम 30 तारीख को भी आए थे, जो मोदी जी आए थे यहाँ पे, उद्घाटन किया था एयरपोर्ट का। उस दिन भी हमारा जो है तो प्रोग्राम हुआ था, हमारा ग्रुप आया था वहाँ पे, 15 आदमी का ग्रुप है। और श्री राम के चरणों में, श्री राम ने हमें अयोध्या अब भी बुलाया, उनके चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए हम अब भी आए हैं। और उन्हीं के लिए जो है तो बहुत ही अच्छा लगा है। 500 वर्ष से जो सभी के मन और तन में ये लगा हुआ था कि भाई राम मंदिर बनेगा या ना बनेगा, वो श्री राम ने और जो है मोदी जी की सरकार ने वो पूरा कर दिया। मोदी जी ने पूरा कर दिया। ये हाथ निकाली हुए, ये बीन बाजा है, बीन है ना, हमारा ग्रुप है 15 आदमी, पूरा है 15 आदमी का ग्रुप है हमारा। बजाएंगे कुछ थोड़ा, बजा के दिखाएंगे, बजाएंगे ना, वो बहुत ग्रुप है आपका। आप देख सकते हैं बीन लेके पूरा ग्रुप आए हुए साथ में। इधर आप दिखा दे, थोड़ा सा झांकी भी है, कैसे अलग अलग जगहों से झांकी दिखाई जा रही है, अलग अलग प्रदेशों से अपनी कलाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। सभी अपने अपने साथियों के साथ यहाँ आ चुके हैं। आप देखिए ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेके ये लोग अयोध्या पहुंचे हैं, अपनी कलाओं को दिखा रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों से, भारत के हर कोने कोने से यहाँ लोग मौजूद हैं और अपनी कलाओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए तुम की आवाज़ देखिए, आप देख सकते हैं कैसे अयोध्या के साथ साथ पूरे देश दुनिया के लोग राममय हो चुके हैं। दुनिया के लोग पूरे भारत के अलग अलग कोने से आ रहे हैं, अपनी कलाओं को दिखा रहे हैं, कैसे डांस कर रहे हैं, कोई गीत गा रहा है, कोई संगीत बजा रहा है, ऐसे पूरे अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। पूरे अयोध्या में जो कुछ भी खास हो रहा है उसे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब देखने के जुड़े रहे आप हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।